माय नेम इज सुनील कुमार श्रीवास्तव। मैं आज आपको मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग बाय फास्ट नीडलिंग मेथड बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आप थियोडोलाइट को सेट कर लेंगे। इस टाइप से थियोडोलाइट को नॉर्थ डायरेक्शन में सेट कर देंगे। ये कंपास, द थियोडोलाइट इज सेट अप एट ए। ये पॉइंट होगा आपका ए। द वर्नियर इज सेट एट 0 डिग्री। वर्नियर उसका 0 डिग्री पर सेट कर लेंगे। द टेलीस्कोप इज ओरिएंटेड अलोंग द नॉर्थ विद द हेल्प ऑफ कंपास। इस कंपास की सहायता से नॉर्थ डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ रहती है उस तरफ सेट कर देंगे। द लोअर क्लैंप इज फिक्स्ड, और थियोडोलाइट का जो लोअर क्लैंप है उसको फिक्स्ड कर लेंगे। सेकंड स्टेप में बी स्टेशन पर एक रेंजिंग रॉड गाड़ देंगे, जैसा आप ये चित्र में देख रहे हैं। ऊपर बी स्टेशन पर जो रेंजिंग रॉड गाड़ी है उस तरफ करेंगे। उसका ए स्टेशन पर रखा रहेगा ये थियोडोलाइट, और फोर बैरिंग ऑफ ए बी ले लेंगे। फोर बैरिंग ऑफ ए बी ले लेंगे, मान लीजिए वो 30 डिग्री आया। एट वर्नियर ए वर्नियर ए पे 30 डिग्री दिखा, मतलब नॉर्थ पे आप थियोडोलाइट सेट कर लेंगे, और बी की डायरेक्शन में आप इसको देखेंगे, बी को देखेंगे तो 30 डिग्री का एंगल मान लो आपको मिला। ये आपकी रेंजिंग रॉड हो जाएगी जो बी पे गड़ी है, रेंजिंग रॉड एट बी ये वाली, ठीक है। द अपर क्लैंप इज लूजन, अब उसके बाद अपर क्लैंप इज लूजन। अपर क्लैंप को लूज करोगे तो आपको एंगल मिलता है। अपर क्लैंप लूजन एंड द रेंजिंग रॉड एट बी इज बाइसेक्टेड। अपर क्लैंप को लूज कर लेंगे और रेंजिंग रॉड एट बी को देखेंगे। द रीडिंग ऑन वर्नियर ए गिव द फोर बैरिंग ऑफ ए बी, ये क्या कहलाएगी, फोर बैरिंग ऑफ ए बी कहलाएगा, और इस ए गिव्स फोर बैरिंग ऑफ ए बी, दैट इज मान लो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री आया। अब बी और अब उसके बाद ए से आपको डी भी दिख रहा है, तो ये आपका थियोडोलाइट तो ए पर ही रहेगा। ये रेंजिंग रॉड आपकी डी पे गड़ी है, इसको आप थियोडोलाइट से देखेंगे। तो इसका बैक बैरिंग आपको लेना है, तो यहां आ जाएगा आपका बैक बैरिंग, बैक बैरिंग ऑफ डी ए, ये आपको लेना है। ये आपको नोट करके रखना है। ए से आप बी देख लिया आपने पहली स्टेप में, उसके बाद ए से डी देख लेंगे। स्टेप से ए से डी की तरफ घुमा के बैक बैरिंग आप नोट कर लेंगे। द बैक बैरिंग ऑफ लाइन डी ए इज ऑल्सो मेजर्ड फ्रॉम ए। अपर क्लेम भी फिक्स, जो अपर क्लेम को फिक्स कर लेंगे। अपर क्लेम फिक्स करने से एंगल जो राउंड होते हैं प्लेट में ए से, तो वो एंगल घूमना बंद हो जाते हैं। लोअर क्लेम को अगर आप लूज करते हो तो केवल एंगल चेंज नहीं होता है, केवल आपका
प्लेट घूमती है केवल, या थियोडोलाइट को आप घुमा सकते हो गोल गोल। ठीक है, अगली स्टेप में, थर्ड स्टेप में आप इस टाइप से कर सकते हैं। ये आपका बी पे चला जाएगा, ए पे रहेगी, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड एट बी। अब इंस्ट्रूमेंट को बी पे शिफ्ट कर लेंगे विद रीडिंग 30 डिग्री। 30 डिग्री फिक्स रहेगा उसके अंदर जो आपने पहले देखा हुआ है ए पे। द लोअर क्लेम विद लूजन एंड द रेंजिंग रॉड एट ए इज बाइसेक्टेड। ए पे बाइसेक्ट करेंगे, बी से ए पे बाइसेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। द टेलीस्कोप इज ट्रांजिटेड। अब टेलीस्कोप को ट्रांजिट कर लिया, देखिए अब ये टेलीस्कोप अभी इधर था, इसके बाद इसको इस टाइप ट्रांजिट कर लिया, मतलब घुमा लिया। केवल टेलीस्कोप का आपको घुमाना है, उसको 180 डिग्री आप ट्रांसफर घुमा देंगे तो उसको कहते हैं ट्रांजिट करना। तो टेलीस्कोप इज ट्रांजिटेड, द अपर क्लेम इज रिलीज। अब अपर क्लेम को रिलीज कर लेंगे, अपर क्लेम के रिलीज करने से वो एंगल चेंज हो जाएगा। और एंड द रेंजिंग रॉड एट सी इज बाइसेक्टेड, और सी पे जो रेंजिंग रॉड गड़ी हुई है उसको देख लेंगे। बी से सी पे जो रेंजिंग रॉड गड़ी है उसको देखेंगे तो वो अपर क्लेम लूज किया हुआ अपन ने, मतलब एंगल चेंज होगा। तो रीडिंग ऑन वर्नियर ए, अब रीडिंग ऑन वर्नियर ए गिव द फोर बैरिंग ऑफ बी सी। तो यहां से आपको क्या मिल गया, फोर बैरिंग ऑफ बी सी, रीडिंग ऑन वर्नियर ए। वर्नियर ए पे आपको जो रीडिंग मिलेगी गिव द फोर बैरिंग ऑफ बी सी, मान लीजिए वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आया, 100 डिग्री आया, ठीक है, 100 डिग्री आया। अब चौथी स्टेप में आप इसको सी पे, बी से सी को आपने देख लिया है, अब इसको सी पर छोटो लाइट को सी पे ले आएंगे। द इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड एट सी। अब इंस्ट्रूमेंट को सी पे शिफ्ट कर लेंगे, बी पे था अब यहां पे आ जाएंगे सी पे। तो इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड एट सी विद रीडिंग ऑफ वर्नियर ए इज 100 डिग्री। 100 डिग्री का जो एंगल है, ये 100 डिग्री का एंगल है, उसके साथ ही सी पे शिफ्ट हो जाएगा। द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड टू गेट द फोर बैरिंग ऑफ सी डी। अब यहां से आपको डी का एंगल मिल गया क्योंकि अपर क्लेम आपने लूज कर दिया और सी पे डी पे डी को बाइसेक्ट किया, तो आपको 100 डिग्री से चेंज होके एक एंगल डी पे मिल जाएगा। सिमिलरली फोर बैरिंग ऑफ द रिमेनिंग साइड आर मेजर्ड, मतलब डी पे आप डी का जो एंगल है वो मेजर कर लेंगे। एट द एंड ये आपका यहां से ए बी सी से सी पे रखा हुआ है, सी से डी को बाइसेक्ट करोगे फिर डी पे आएंगे और डी से ए का बैक बैरिंग ले लेंगे। तो एट द एंड ऑफ द ट्रेवर्स फोर बैरिंग एंड बैक बैरिंग ऑफ डी ए शुड बी डिफर बाय 180। यहां से आप डी से ए का जो बैरिंग लेंगे वो बैक बैरिंग आपका
एक 180 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, जो आपने शुरू से ए से जो ए से डी का जो बैक बैरिंग फोर बैरिंग लिया था, यहां से डी से ए बैक बैरिंग हो गया, उन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे वो 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपको ये चारों पांचों एंगल मिल जाएंगे और इस टाइप से आपकी ट्रेवर्सिंग पूरी हो जाएगी। इसको अपन थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग बाय फास्ट नीडल मेथड कहते हैं। ए सबसे पहले आपने ए पे रखा, ए से बी को बाइसेक्ट किया, ए से बी को बाइसेक्ट किया, बी पे रखा और सी को देखा, सी पे रखा, डी डी का एंगल ले लिया, डी पे रख के ए का एंगल ले लिया, और ए पे जब रखा था तो डी का फोर बैरिंग ले लिया था, अब डी से ए का बैरिंग आपको मिल गया, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 180 डिग्री आना चाहिए। ये आपका चेक लग जाएगा कि 180 डिग्री डिफरेंस है कि नहीं, और ये सारे एंगल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आपकी थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग पूरी हो जाएगी, जैसे आपने कंपास में की थी वो लूज नीडल मेथड है, ये फास्ट नीडल मेथड कहलाती है, ये ट्रेवर्सिंग की एक मेथड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।